हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपका अगर पीसी का रिफ्रेश रेट या फिर लैपटॉप का रिफ्रेश रेट नहीं शो कर रहा है या फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन शो नहीं कर रहा है, डिसेबल्ड है, तो कैसे उसको ऑन करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है आपके सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं शो करेगा, जैसे मेरे में शो कर रहा है, पहले मेरे में भी शो नहीं कर रहा था, मैंने फिक्स किया है। तो इसके बाद आपको ये वाला जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखा रहा है ये आपको डिसेबल होगा या फिर आपको थोड़ा सा डार्क कलर में आएगा, जो इसमें एक्सेस आपको नहीं देगा, है ना। और आपका जो स्केल ये 125 दे रहा है, वो कोई भी इनमें से कोई एक दे रहा होगा लेकिन 125 नहीं दे रहा होगा। और एक और प्रॉब्लम आता है इसके साथ साथ, जैसे मैं एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पास मेरे को रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन आपके में रिफ्रेश रेट का ऑप्शन हट गया होगा। तो इसको आपको फिक्स करना है, तो क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पास आपको सबसे पहले यहाँ सेटिंग बोल रहा हूँ, यहाँ पास स्टार्ट ऑप्शन में जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद रुकिएगा, यहाँ डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पास आने के बाद आपको डिस्प्ले एडाप्टर में क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, AMD रेडियन ग्राफिक्स ये वाला दिया रहेगा, और आपका जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिया है उसका एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको पहला वाला को चेक करना है। यहाँ पास लिखा रहना चाहिए दिस डिवाइस वर्किंग प्रॉपरली, अगर ये वाला ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पास लिखा रहेगा कि इसको इनेबल कीजिए। तो यहाँ पास आपको कहीं पास शो करेगा कि इनेबल दिस फीचर ऐसे करके, तो आपको इनेबल को बस क्लिक करना है। इनेबल क्लिक करने के बाद आपका पीसी एक बार रीस्टार्ट होगा एंड रिफ्रेश होगा, फिर उसके बाद ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ओके करना है। फिर आपको दूसरे नंबर का चेक करना है कि ये वाला यहाँ पास भी लिखा है कि नहीं, दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अगर ऐसा नहीं लिखा होता है तो आपको यहाँ पास ड्राइवर में जाना है, अपडेट ड्राइवर करना है। अपडेट ड्राइवर करने के बाद आपको ये पहले डेट देख लेना है कि ये जो डेट दिया है इस डेट से आगे डेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके अपडेट करने के बाद। अगर अपडेट शो कर दिया उसके बाद अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको रोल बैक करना है। रोल बैक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। फिर अगर इसमें भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो ओके करिएगा इसको, और ये पहले वाले में जाके आपको ड्राइवर में क्लिक करना है, उसके बाद इसको भी अपडेट कर लेना है। ये दोनों ऑप्शन आपको करने के बाद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब।